जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है थर्मोस्टेट। तो आज हम थर्मोस्टेट के बारे में देखेंगे कि थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट कहाँ पाया जाता है और थर्मोस्टेट का क्या फंक्शन होता है। बेसिकली थर्मोस्टेट के लिहाज से देखा जाए तो जो बॉडी टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से। मतलब कि जो हमारे जिस्म का बॉडी टेम्परेचर है तो वो फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। अगर मैं कहता हूं बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला फीडबैक मैकेनिज्म है, तो बॉडी टेम्परेचर जब चेंज होता है ज्यादा या कम तो कौन डिटेक्ट करता है, कौन मॉनिटर करता है? तो वो डिटेक्ट और मॉनिटर करने वाला थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है। मतलब कि बॉडी टेम्परेचर इस मॉनिटर जो मॉनिटर करता है और उसको नाम देते हैं थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। का नाम दिया जाता है। तो ये एक ऐसा सेंटर है जो मॉनिटर करता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया बॉडी का या टेम्परेचर कम हो गया, तो मॉनिटर करने वाला थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है। अगर मैं कहता हूं थर्मोरेगुलेटरी सेंटर का नाम क्या है, तो जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, उसको नाम देते हैं थर्मोस्टेट। तो जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, उसको मॉनिटर करता है, वो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है। मगर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर का नाम क्या है, हम उसको क्या कहते हैं, उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड थर्मोस्टेट। उसको हम थर्मोस्टेट का नाम देते हैं, अब जो थर्मोस्टेट है, ये आपको कहां पे नजर आता है जो कि मॉनिटर कर रहा है हमारे जिस्म के टेम्परेचर को? तो थर्मोस्टेट प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक ऐसा पार्ट जिसके जिसके पास ये मौजूद होता है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के अंदर आपको नजर आता है जिसको नाम देते हैं थर्मोस्टेट का नाम दिया जाता है। अब ऐसे जो थर्मोस्टेट है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट के अंदर रखता है। अगर वो सेट पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो ये उसको रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। अगर थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट देखा जाए, तो इसका जो सेट पॉइंट है, वो है 37 सेंटीग्रेड, अब यहां पे देखा जाए 37 से अगर ये अबव हो जाए या कम हो जाए तो कितना रखेगा ये, 36 से 38 तक ये इसको मेंटेन रखता है और आप इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड नैरो रेंज। तो इस लेवल के अंदर इसको मेंटेन रखता है जिसका नाम है थर्मोस्टेट। अगर इससे ऊपर या नीचे हो जाए तो ये उसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो थर्मोस्टेट का जो सेट पॉइंट है टेम्परेचर का, जिस जगह पर उसने हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रखना है, वो है 37 सेंटीग्रेड होता है। अब बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा या कम हो जाए या बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा या कम हो जाए तो ये कैसे काम करता है? जैसे मिसाल के तौर पर आजकल गर्मी है, ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है या जब सर्दियां आती है तो सर्दियों में क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर काफी ज्यादा गर्मी है तो उस गर्मी को डिटेक्ट करने वाला, उस वार्म टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर होता है और उसको हम नाम देते हैं थर्मोरिसेप्टर। तो जो थर्मोरिसेप्टर है वो आपको नजर आता है स्किन के ऊपर, और वो कौन सा थर्मोरिसेप्टर होगा, वार्म थर्मोरिसेप्टर होगा। अगर बाहर सर्दी है, काफी ज्यादा सर्दी, तो वो जो रिसेप्टर जो डिटेक्ट करता है कि बाहर काफी ज्यादा सर्दी है, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको बाहर निकलने से रोकना है, तो वो जो रिसेप्टर जो डिटेक्ट करता है बाहर सर्दी है, अंदर की हीट को बाहर निकलने से रोकना है, उसका नाम है कोल्ड थर्मोरिसेप्टर। ये सारे के सारे जो रिसेप्टर है ये आपको नजर आते हैं कहां पर, स्किन के ऊपर। ये सारे के सारे स्किन के ऊपर है। अगर बाहर काफी ज्यादा गर्मी है तो मैसेज फौरन जाता है ब्रेन के एक पार्ट के पास जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के अंदर एक थर्मोस्टेट है जो डिटेक्ट करता है कि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो अंदर क्या करना है, बाहर टेम्परेचर कम है तो अंदर क्या करना है। अब जो स्किन है,
स्किन से मैसेज आगे ट्रांसफर होता है हाइपोथैलमस के पास, और जो मैसेज है जो हमारी स्किन से जाता है उसको नाम देते हैं नर्व इंपल्स, और वो आपको पता होगा न्यूरॉन के ऊपर चल के जाता है, और न्यूरॉन इसको लेकर जाएंगे आगे की तरफ ब्रेन की तरफ। मगर ये नर्व इंपल्स किसने जनरेट की है? थर्मोरिसेप्टर ने की है। वो थर्मोरिसेप्टर कोई भी हो सकता है, वार्म या कोल्ड, जो कि आपको नजर आता है कहां पर? स्किन के ऊपर। इसके बाद जब वो पहुंच जाता है नर्व इंपल्स स्किन से आगे जनरेट हो जाते हैं, तो ये पहुंच जाता है हाइपोथैलमस के पास। तो हाइपोथैलमस फिर डिफरेंट काम करता है ज्यादा या कम टेम्परेचर होने की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, देखा जाए कोल्ड टेम्परेचर है बाहर, कोल्ड टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तो उस वक्त हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर ज्यादा रहे और बाहर खारिज ना हो। बाहर टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म है, तो उस वक्त हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा जो हीट बन रही है उसको बाहर से बाहर ज्यादा खारिज किया जाए, ताकि अंदर जो हीट है वो मेंटेन रह सके। अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो हाइपोथैलेमस सबसे पहला जो काम करेगा वो है वैजो कंस्ट्रिक्शन। वैजो कंस्ट्रिक्शन ब्लड वैसे को सिकुड़ा देगा। वैजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब श्रिंक ऑफ ब्लड वैसेस, श्रिंक ऑफ ब्लड वेसल्स, और डेफिनेटली याद होना चाहिए कैपिलरीज को ज्यादातर ये सुकड़ा देता है, ब्लड वेसल को सुकड़ा देता है, और सुकड़ने से क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ हीट, जिसम से हीट बाहर खारिज नहीं होगी, कंजर्वेशन ऑफ हीट का काम होगा। ये लो भाई, कंजर्वेशन ऑफ हीट का काम होगा। वेजो डायरेक्शन से क्या होगा, सॉरी वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा? रिड्यूस ब्लड फ्लो होगा, ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं करेगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन, तो स्किन की तरफ ज्यादा ब्लड नहीं जाएगा, क्योंकि स्किन सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया में जब ब्लड ज्यादा जाता है तो हीट डेसिपेट हो जाती है, बाहर खारिज हो जाती है, तो हमने डेसिपेट से रोकना है। तो रोकने के लिए जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा? वैजो कंस्ट्रिक्शन, जिससे हीट डेसिपेट नहीं होगी। अब यहां पर देखा जाए वैजो कंस्ट्रिक्शन के बाद कोल्ड टेम्परेचर में वो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस कोल्ड टेम्परेचर में इंसान की बॉडी के अंदर हाई मेटाबॉलिक क्रिएट कर देगा, हाई मेटाबॉलिक क्रिएट कर देगा। जब हाई मेटाबॉलिक रेट होगी, ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, तो आपको डेफिनेटली पता है ज्यादा हीट बनना शुरू हो जाएगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। कोल्ड टेम्परेचर में हाइपोथैलेमस बॉडी में क्या करवा देगा? इसका सबसे बड़ा काम क्या करवाएगा? ये इनएक्टिव या इनहिबिट कर देगा स्वेटिंग को, पसीना निकलना रोक देगा, कि एवेपोरेटिंग कूलिंग का प्रोसेस ना हो। वैसे ही बहुत ज्यादा सर्दी बाहर मौजूद है, तो ये ज्यादातर आपको देखा जाए ये आपको नजर आता है किस वक्त? जब कोल्ड टेम्परेचर होता है। वार्म टेम्परेचर में क्या करवाएगा हाइपोथैलेमस? वैजो डायलेशन करवा देगा। वैजो डायलेशन का मतलब ब्लड वेसल्स को फिलवा देगा। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, डायलेट ऑफ ब्लड वेसल्स, तो याद रखना ब्लड वेसल्स मतलब ज्यादातर कैपिलरीज, और वो भी किसकी? स्किन की, ठीक है? डायलेट ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएंगे। जब डायलेट ऑफ ब्लड वेसल्स होंगी तो ज्यादा ब्लड जाएगा स्किन की तरफ, जिसकी वजह से डेसिपेट ऑफ हीट होगी, खारिज होगी बाहर की तरफ, डेसिपेट ऑफ हीट होगी, हीट स्किन से बाहर की तरफ खारिज होगी, रिमूव होगी, और जिस वजह से डायलेट होने की वजह से मोर ब्लड फ्लो करेगा, ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा, मोर ब्लड फ्लो टूवर्ड स्किन, स्किन की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा। अब ज्यादा जब ब्लड जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हीट बाहर की तरफ डेसिपेट होना शुरू हो जाएगी वैजो डायलेशन की मदद से। इसके बाद जब वार्म टेम्परेचर है, ज्यादा बॉडी का हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बाहर भी काफी ज्यादा गर्मी है, तो हाइपोथैलेमस बॉडी के अंदर लो मेटाबॉलिक रेट कर देगा, और जब लो मेटाबॉलिक रेट होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। जब वैजो डायलेशन होगी है, लो मेटाबॉलिक रेट हो गया है, और इसी के साथ साथ आखिरी पॉइंट, गर्मियों में ज्यादा पसीना आता है, एक्टिवेट हो जाएंगे स्वेट ग्लैंड, ज्यादा एक्टिवेशन होगी स्वेट ग्लैंड की, तो
तो स्वेट ग्लैंड जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, ज्यादा पसीना बनाएंगे ताकि एवेपोरेटिंग कूलिंग हो सके। तो एवेपोरेटिंग कूलिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा पसीना खारिज किया जाएगा ताकि अंदर की हीट बाहर खारिज हो सके। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको नजर आता है वार्म टेम्परेचर के अंदर, और ये आपको नजर आता है कोल्ड टेम्परेचर के अंदर। अब दो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, आपने उसको गौर करना है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? आपको डेफिनेटली पता है जब ज्यादा टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया भाई, तो आप कहते हैं फीवर हो गया, बुखार हो गया। तो फीवर को हम दूसरा नाम देते हैं पायरेक्सिया, हम इसको कहते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मीन्स फीवर। फीवर क्या होता है, पायरेक्सिया क्या होता है? अगर मैं कहता हूं इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर कितना इंक्रीज? अबव टू 37 सेट पॉइंट। अगर सेट पॉइंट से ज्यादा हो जाए तो इंसान को फीवर हो जाता है, तो हम इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड पायरेक्सिया या फीवर का नाम दिया जाता है। जब इंसान के बॉडी में इंफेक्शन होता है, कोई भी इंफेक्शन, तो इंफेक्शन की वजह से हमारे जिस्म के अंदर केमिकल्स बनते हैं, और उन केमिकल्स को क्या कहते हैं? छोटी सी डेफिनेशन जो आपको लाजमी बतानी है, पेपर में काफी ज्यादा आ चुकी है, और उसका क्या कहते हैं, वो क्या चीज है, अभी उसको देखते हैं हम जी। जैसे कि इंसान को देखा जाए तो इंफेक्शन हो जाता है, इंफेक्शन, और वो जो इंफेक्शन है, इंफेक्शन वो वायरल भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। जब वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए तो इस बीमारी की वजह से हमारी बॉडी में ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज नंबर हो जाता है ल्यूकोसाइट का। वाइट ब्लड की सेल की टाइप है ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और ल्यूकोसाइट ज्यादा क्यों होते हैं? ताकि उस बैक्टीरिया या वायरल के साथ लड़ सके और बीमारी को खत्म किया जा सके, तो इंक्रीज नंबर हो जाता है ल्यूकोसाइट का। जब ये दोनों के दोनों देखा जाए, इंफेक्शन मतलब के पैथोजन और ल्यूकोसाइट, ये आपस में फाइट करते हैं, और फाइट क्यों करते हैं? ताकि हम ओवरकम कर सके। अगर ये जीत जाएगा तो बीमारी नहीं होगी, अगर ये जीत जाएंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर ओवरकम कर जाएगी डिजीज, ठीक हो गया। तो इस दौरान क्या होता है, दोनों केमिकल खारिज करते हैं, जैसे कि पैथोजन, पैथोजन एंड ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस केमिकल इन ब्लड, तो वो ब्लड के अंदर केमिकल को खारिज करते हैं, उस केमिकल को नाम देते हैं, दिस केमिकल इज कॉल्ड, ये जो केमिकल इसको नाम देते हैं, दिस केमिकल इज कॉल्ड पायरोजन, हम उसको नाम देते हैं, वो केमिकल का नाम है पायरोजन। वो पायरोजन है जो कि केमिकल खारिज होता है, पैथोजन और ल्यूकोसाइट से जो केमिकल खारिज हुआ उसका नाम क्या है, पायरोजन। इसी तरह जो रोल ऑफ फीवर है, जो फीवर इसका भी रोल होता है, क्या रोल है कि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट द पैथोजन, मतलब कि बुखार का होना ये स्टिमुलेशन है कि पैथोजन के खिलाफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का। तो बुखार होना एक अलामत है कि हमारे जिस्म में पैथोजन आ चुका है, तो इससे प्रोटेक्ट किया जाए।